अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अली मंगी साहब, जो कि माशाल्लाह सबका MMC मेंबर भी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, तब ठीक है, शुक्र अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइए, बड़ी चहल पहले नज़र आ रही हैं इलेक्शन का, माशाल्लाह एक सिलसिला आपके यहाँ देखा जा रहा है, और आप बताएं कि आप भी कैंडिडेट हैं, बताएं जरा। अच्छा, मैं एज ए लाइब्रेरियन का कैंडिडेट हूँ, इस साल आया हूँ कराची बार में, और मैं सबका MMC भी रहा 2023 में, और मैंने तकरीबन काम किया है यहाँ पे कराची बार के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से, और अच्छा काम किया था मैंने एनवायरनमेंट पे। और मुझे ये सोच आई कि भाई मैं लाइब्रेरियन के लिए आ जाऊँ, क्योंकि लाइब्रेरियन में भी बहुत काम है ना, तो इस वजह से मैंने कहा कि लाइब्रेरियन पर मैं काम करूँ और कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा काम करूँ और जितनी अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर वकीलों को दे सकूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा हुआ है कि मैं इलेक्शन की कंटेस्ट कर रहा हूँ, और मेरी ये कोशिश है कि अपने वकला भाइयों के लिए जितना अच्छा लाइब्रेरी में मैं काम कर सकूँ, और मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़बरदस्त काम करूँगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। आपके बारे में सुना गया कि आप माशाल्लाह हाई कोर्ट से हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, आपकी माजी में भी बड़ी खिदमत रही हैं सिटी कोर्ट के हवाले से, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं 2023 में MMC आया तो मैं यहाँ पे देखा कि मुल्क सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे दरख्तों की बड़ी कमी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एनवायरनमेंट पे अच्छा काम किया, नीम के दरख्त लगाए, ताकि यहाँ पे हमारे जो साइलिन आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, देखते हैं कि भाई कहाँ पर कोई साया है तो उसके साय के कोने में बैठ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने नीम के दरख्त लगाए यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, और इसके नीचे भी जो बैठ रहा है तो वो भी हमें दुआई दे रहा है, और यही मेरी कोशिश है कि भाई अगर इस साल जीत गया, और यहाँ पे हमारे वकीलों ने हैं जो मुझे इतनी मेहनत के हिसाब से मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया था और वोट भी दिया था, और यहाँ पे तकरीबन मुझे दोस्त जानते हैं, और मैं एज ए प्रैक्टिस लायर हूँ, यहाँ पे सिटी कोर्ट में काम करता हूँ, और मेरी यही प्रैक्टिस है कि मुझे पता है कि यहाँ पे वकीलों के मसाइल क्या हैं, मैं इनको समझ सकता हूँ और उस पर मैं अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फ़हीम अली मंगी साहब मौजूद हैं, और उन्होंने तमाम ख्याल से आगाही दी है, उन्होंने अपने माजी की तमाम कारकर्दगी के बारे में भी बताया है, और माशाल्लाह सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के हवाले से, सिटी कोर्ट के हवाले से माशाल्लाह। और हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने के लिए इमरान अजीज़, Kent 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। वेलकम बैक, इमरान अजीज़ आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट से। सुहेल अहमद साहब हमें बताएंगे आज के हवाले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसे से? वकला बिरादरी की एक बहार है माशाल्लाह, सिटी कोर्ट में जिधर देखें वहीं एक पैनाफ्लेक्स नया हमें नज़र आता है, और इलेक्शन की बहारें हैं। हाँ सर, बिल्कुल माहौल सरगर्म लगा हुआ है इलेक्शन के हवाले से, और इस मरतबा हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने एक दोस्त प्यारे एडवोकेट हाई कोर्ट फ़हीम अली मंगी साहब को। आप अगर कैमरा की आंख घुमा के देखेंगे, आपको ये जो सारी हरियाली नज़र आ रही है सिटी कोर्ट के अंदर, ये हमारे इसी दोस्त MMC रह चुके हैं हमारे KP बार के फ़हीम अली मंगी साहब, उन्हीं की बदौलत है, और इस मरतबा ये अपनी इलेक्शन रिपीट कर रहे हैं, मगर पोजीशन चेंज करके लाइब्रेरियन की सीट पर आ रहे हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि फ़हीम अली मंगी साहब से कि वो किताबों को भी ऐसे ही हरा भरा माहौल बनाएंगे। पहले एक सोसाइटी बनाई थी, इन्वायरमेंट बनाया था, अब उम्मीद करते हैं हमारी तवक्कात फ़हीम अली मंगी साहब से यही है कि यहाँ पर एजुकेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। वैसे तो वैदरिकल बनाया था, अब उम्मीद करते हैं कि किराया उसका लाइब्रेरियन का बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखा नाज़रीन, हमने आपको वकला बिरादरी के वो तमाम जज्बात, वो एहसासात वकला बिरादरी के लिए फ़हीम अली मंगी साहब, जो कि एक बेहतरीन एडवोकेट हैं, वकला बिरादरी का दर्द रखते हैं, माजी में आपने जो काम किए हैं वो भी सबसे ढके छुपे नहीं हैं। वेलकम बैक इमरान अजीज़ आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं अली बरोही साहब, वो हमें बताएंगे आज के हवाले से जिस तरह से हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर। सर बताएंगे आज के हवाले से जिस तरह से हम यहाँ पहुँचे हैं, ये जान कर के हर तरफ जो है वकला बिरादरी की एक बहार है जी, तो आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इलेक्शन की जब वाइब आती है तो हमारे जो वकला कम्युनिटी है, जो लीगल फैटर्निटी है, उसमें एक मौका मिल जाता है हमें अपना लीडर सेलेक्ट करने के लिए। वो लीडर कोई बाहर का इंसान नहीं होता, वो हम में से अंदर हम जैसा हमारा भाई होता है, जिसको हम जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई इसमें एबिलिटीज़ हैं, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी वकला बिरादरी को, हमारी बार को, हमारे दोस्तों को, KBA को, कराची बार एसोसिएशन को अच्छे तरीके से आगे लीड कर सकता है। तो ये एक सरगर्मी जो है, और ये गर्मा गर्मी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन का माहौल, ये बैनर, ये लोगों के मिलने, ये लोगों का गले मिलना, हाथ मिलाना, चाय पीना, ये इस तरह की मोहब्बतें फैलाना ही इलेक्शन है। लोगों ने यहाँ पर बड़ा
वो गलत परसेप्शन बना लिया है कि भाई इलेक्शन किसी तजाद का नाम है, किसी जिद का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास इलेक्शन मोहब्बत का नाम है। इस मोहब्बत में हम अपने किसी एक दोस्त को सिलेक्ट करते हैं जो एक साल के लिए हमारी बार में, हमारी कैबिनेट में मेंबर रहते हैं, और फिर वो हमारे वकला की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो इस तरह फहीम भाई हमारे दोस्त हैं जो हमारे पास इस बार लाइब्रेरियन पर आ रहे हैं, और हमें फहीम अली मंगी साहब बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी हैं, और बींग अ लाइब्रेरियन हमें पूरी उम्मीद है कि वो कराची बार को बैक टेन्योर से अच्छे टेन्योर में ले आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बस ठीक है, अली भाई बहुत अच्छे हैं, ये सारा काम अली भाई ने किया, दरख्त वगैरह अली भाई ने लगाए हैं, और हमारा प्यारा दोस्त है, वकला का साथ भी देता है, किसी हर मसले में खड़ा होता है, और मेरे साथ इससे ज़्यादा कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। अली मंगी साहब की तारीफ़ हो रही है माशाल्लाह से। नाज़रीन देख सकते हैं कि वकला बिरादरी में इतनी यकजहती, इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें, और बात तो ये है कि जो काम करेगा उसी के गुण गाए जाएंगे। तो नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे यहाँ की जो हरियाली है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम नीम के दरख्त जो हैं वो फहीम अली मंगी जो कि एडवोकेट हैं, सीनियर हाई कोर्ट के हवाले से आ रहे, उन्होंने ये दरख्त जो है वो लगाए हैं। और दरख्त लगाना समझ लो कि अपने हिस्से की शमा को रोशन करने के मुतरादिफ है। तो इमरान अजीज़ को दीजिए इजाज़त, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरा मैन सिकंदर अली के साथ कराची।